अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आपके साथ बीफ के खीमे से कुफ्ता जो बनाते हैं उसके रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुफ्ता करी ग्रेवी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये आधा किलो से ज़्यादा है ये ले लिया है और इसको थोड़ा धो के इसका पानी भी सुखा लिया है। तो इसके लिए मैंने हरा धनिया धो के रख लिया है और ये सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर है ग्रेवी के लिए। तो ये मैं पाउडर बना के इस्तेमाल करती हूँ, इसमें बेसन का पाउडर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए ये इस्तेमाल करती हूँ मैं। और फिर ये है टमाटर, मैंने धो के काट लिया है ग्राइंड करने के लिए। और ये ऑनियन भी मैंने काट लिए हैं ग्राइंड करने के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये नारियल के पीसेस है जो ग्रेवी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कसूरी मेथी है बाद में ऐड करने के लिए। और ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये इस खीमे में ऐड करने के लिए है। और फिर ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और ये सॉल्ट है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। और मैं ग्रेवी में आलू भी इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने धो के काट लिए है और इसमें पानी में रख दिए हैं ताकि ये काले ना हो। तो चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने सारे मसाले ग्राइंड कर लिए हैं मिक्सर में। ये ऑनियन और उसमें थोड़ा हरा धनिया मिला के मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये टमाटो और उसमें नारियल मिला के मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अभी कुफ्ता बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग रॉक सॉल्ट तो नहीं, ये एडस सॉल्ट डालते हैं। और फिर इसमें मिर्ची, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डालते हैं मिक्स करने के लिए। और फिर मैं ये जो मैंने ग्राइंड कर लिया था पाउडर बना लिया है इसका, ये डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। और फिर इसमें सारे मसाले ऐड करना चाहिए, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। सारे मसाले इसमें ऐड होने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कुफ्तों का। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए। इनको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए अपने हाथों से। कुकिंग करने वाले तो क्लीन ही होते हैं हाथ, तो आप इसमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। या फिर आप ग्राइंडर में डाल के एक बार हल्के से चला भी सकते हैं इसको, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको इसको अच्छी तरह से इवनली मिक्स करना है तो इसको ग्राइंडर में डाल के मिक्सर जार में डाल के थोड़ा एक बार इसको थोड़ा हल्का सा थोड़ी देर के लिए सूखा ग्राइंडर जार होना चाहिए, तो इसमें डाल के थोड़ा ग्राइंड कर लेने से ये और स्मूथ हो जाता है। देखिए व्यूअर्स, ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा एक बार मिक्स चलाने से इस तरह से स्मूथ हो जाता है। आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो जाता है और फिर ये कुफ्ता बनाने के लिए बहुत स्मूथ होता है और आसानी से बन जाते हैं। राउंड राउंड बॉल्स बनाना होता है तो ये आसानी से बन जाते हैं। देखिए अभी मैंने ये मिक्सचर खीमे का मिक्सचर सारा जार में से निकाल लिया है और इसको इस तरह से हाथों से राउंड बॉल्स बना लेंगे। ऐसे सारे इसके बॉल्स बना लेंगे हम। चलिए व्यूअर्स, अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर लिया है और गैस के ऊपर कुकर रख दिया है। ये रेसिपी बहुत आसान है और जल्दी बन जाती है। मिक्सिंग का प्रोसेस होता है, बस मिक्सिंग के प्रोसेस के बाद में इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है बनने के लिए और ज़्यादा सीटियाँ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने ऑयल डाल दिया है, थोड़ा ऑयल को गर्म होने देते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, तो फिर ज़्यादा गर्म होने से छींटे उड़ सकते हैं, इसलिए हम बस इतना गर्म करने के बाद में अपनी मसाले मिक्स करते हैं। जो ऑनियन पेस्ट था वो मैंने मिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा भून लेते हैं ताकि इसकी खच्ची स्मेल ना जाए। आप इसमें गरम मसाला या साबुत गरम मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसको थोड़ा पकने देते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसमें थोड़ा बबल्स आने लगे हैं, इसका पानी भी ऐसे ही सूख जाएगा। तो हम इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर मिक्स करते हैं।
सारे मसालों को कच्चापन जाने तक भून लेना चाहिए। इसमें हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं जो हमने रखा हुआ था। तो सारे मसाले इस तरह से भून जाए। इसका कच्चापन चला जाए तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर हमारे मीट बॉल्स ऐड करेंगे। बीफ की जो कुफ्ता हमने बनाया हुआ है वो ऐड करेंगे हम लोग। तो इसको थोड़ा पकने देते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला भून चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल बाहर आने लगा है। तो ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो हम इसमें कुफ्ता ऐड करते हैं। इस तरह से आप जैसे प्लेट में आपने राउंड जमा करके रखा है, इस तरह से आप इसी में भी कुकर में भी ऐड कर दीजिए। और सारे वो मसाले मिक्स हुए हैं इसमें। हमने इसको थोड़ा खीमे को ग्राइंडर मिक्सर में भी चला लिया था तो ये बहुत स्मूथ हो जाता है और फिर गलने में इसको टाइम नहीं लगता है। लेकिन कुकर में एक सीटी होने से आप इसको आराम से दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं और ये ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए व्यूअर्स, मेरा कुफ्ता करी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए ये टूटे नहीं है और बहुत डिलीशियस रेसिपी बनती है ये। तो आप भी मेरे स्टाइल में बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।